से बिगड़ करके 11 तारीख को अपना अमूल्य वोट कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाइए और नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश की VIP सीट बिजनौर में इस समय चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। 11 अप्रैल को वोटिंग है, लिहाजा जनता को लुभाने के लिए सभी दलों के उम्मीदवार सक्रिय हैं। मौजूदा समय में इस सीट पर बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र सिंह का कब्जा है, लेकिन इस बार SP BSP और RLD के गठबंधन से कुंवर भारतेंद्र सिंह की राह आसान नहीं रहने वाली है। भारतेंद्र सिंह का नाम 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों में भी आया था। उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। हालांकि उन्हें मुजफ्फरनगर की कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन एक बार फिर वो चुनाव जीतकर संसद की दहलीज तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हैं। चुनाव में जीत के लिए वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ दिनों की मेहनत उन्हें और पार्टी को 5 साल की राहत दे सकती है। आज का चुनावी सफर उन्हीं के साथ। वक्त मौजूद हूँ बिजनौर संसदीय क्षेत्र के बहसुमा गांव के चौराहे पे। ये बहुत मुख्य चौराहा है, यहाँ पे बिजी चौराहा है। ये जो सड़क है ये मुजफ्फरनगर की तरफ जाती है, ये जो सड़क है ये मेरठ की तरफ जाती है, और यहाँ की सड़क जो है वो बिजनौर की तरफ जाती है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अहम चौराहा है, एक जो 3 संसदीय क्षेत्रों को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ये बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी है। क्या नाम है इस गुरुद्वारे का? सिख संगत रामराज। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे काफी सिख समाज भी है, उनका वोट जो है वो किस तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? हम तो मोदी जी को वोट देंगे जी। हाँ जी, क्यों? देश के हित में मोदी जी हैं। तो वहाँ पाकिस्तान के अंदर जो हमारा फौजी गिरा, हफ्ते के अंदर अंदर वो बंदा ले आना, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रवाद, इस बार राष्ट्रवाद अहम मुद्दा रहेगा जी। और कोई मुद्दे हैं यहाँ पे? सिर्फ राष्ट्रवाद है और कोई मुद्दे हैं? कोई मुद्दे हैं केवल यहाँ के। और कौन करवा रहा है? केवल मोदी जी करवा रहे हैं। पिछले 5 साल में मोदी जी, 2 साल में योगी जी। शांति क्षेत्र में हमारे यहाँ की रोड बन गई, 70 साल में कभी नहीं बनी। तो सांसद जी ने बढ़िया काम? सांसद जी हमारे अच्छे हैं, हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं। लोगों की राय जानने के बाद हम भारतेंद्र सिंह के साथ आगे बढ़े और उनकी छोटी छोटी जनसभाओं में जानने की कोशिश की कि कैसे वो जनता से चुनावी वादे कर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुटे हैं। यह है कि लहर अभी भी वैसे ही व्याप्त है और जनता का विश्वास और प्रेम मोदी जी के प्रति और बढ़ा है, क्योंकि जितनी ईमानदारी और मेहनत से उन्होंने अपनी सरकार चलाई है, इतनी आज तक कोई भी सरकार नहीं चल पाई। और इस वजह से लहर भी वही है, जनता भी वही है, और प्रेम जो है और विश्वास जो है वो बढ़ा है। मुझे ऐसा महसूस होता है जब मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ और इस चुनाव प्रचार में अब जुट गया। पिछली बार मोदी लहर में जीते भारतेंद्र सिंह को अच्छी तरह पता है कि इस बार उनकी राह आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ से कभी मायावती के साथ रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को टिकट दिया है। वहीं महागठबंधन ने BSP के मलुक नागर को प्रत्याशी बनाया है, जिससे उन पर सीट निकालने का भारी दबाव है। हालांकि बिजनौर में हमने जगह जगह जनता की राय ली और पूछा कि इस बार वो किसे अपना सांसद बनाना चाहते हैं और कैसी सरकार चाहते हैं। हम इस वक्त अभी भी बिजनौर संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। हम इस वक्त रामराज गांव में हैं, और मैं बताना चाहूंगा कि बिजनौर भी जो गन्ने का जो जोन कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका, तो उसमें मौजूद है। यहाँ पे गन्ना जो है वो फ्रेश कट रहा है। ये गन्ना एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे हाथ में भी है। इसमें खूब मिठास तो जरूर होगी, मगर राजनीतिक मिठास की चर्चा हम करेंगे इन लोगों के संग जो अभी ये गन्ना को काट के आए हैं और अब ये फसल को इन ट्रॉलियों पे मिलों में भिजवाने का काम कर रहे हैं। तो पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या यहीं के निवासी हैं? रामराज। अच्छा, बताइए कि आप जो हैं वो वोट किसको दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी। क्यों, किस आधार पे? अच्छा लगा हमें उनका काम। अच्छा लगा, काम अच्छा लगा। क्या आप वो उनके बारे में क्या बात सही लगती है? हर काम सही कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आप बताइए जरा कि इस बार किसकी लहर है? हमारे यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी।
नरेंद्र मोदी, क्या इसी इलाके में या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में? समझिए जी, ये तो रही किसानों और बिजनौर की जनता की राय। अब हमने सीधे भारतेंद्र सिंह से सियासी सवाल जवाब किए और पूछा कि आखिर जनता उन्हें फिर मौका क्यों दे। पिछली बार भारतेंद्र जी, मोदी लहर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रही थी पूरे देश की तरह, और आप भारी मतों से विजयी रहे थे। 2 लाख मतों से आपने सपा के प्रत्याशी को हराया था। यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल ने भी फिल्मी सितारा भेजा था जयप्रदा के रूप में, उनको भी आपने हराया था। इस बार कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? मेरा मानना यह है कि लहर अभी भी वैसे ही व्याप्त है और जनता का विश्वास और प्रेम मोदी जी के प्रति और बढ़ा है, क्योंकि जितनी ईमानदारी और मेहनत से उन्होंने अपनी सरकार चलाई है, इतनी आज तक कोई भी सरकार नहीं चल पाई। और इस वजह से लहर भी वही है, जनता भी वही है, और प्रेम जो है और विश्वास जो है वो बढ़ा है। मुझे ऐसा महसूस होता है जब मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ और इस चुनाव प्रचार में अब जुट गया। आपने भी अपना ट्विटर हैंडल बदला है, अपना फेसबुक हैंडल बदला है, आप चौकीदार भारतेंद्र सिंह बन गए हैं, मगर विपक्ष जो है वो कह रहा है कि चौकीदार चोर है। ये विपक्ष की भूल है, विपक्ष की गलती है। पिछली दफा भी कांग्रेस के द्वारा चाय वाला का बेटा, इस प्रकार के जो वक्तव्य है वो जनता अच्छी तरह नहीं लेती है। इस ये जो नया भारत है, इसमें सबको बराबर का हक है, सबको उठने की बराबर की मौका दिया जा रहा है इस देश में, और यही इसी के प्रतीक बन गए हैं नरेंद्र मोदी। तो लोग बड़े खुश होते हैं देख के कि एक गरीब आदमी का बच्चा भी प्रधानमंत्री बन सकता है और इतना बढ़िया प्रधानमंत्री बन सकता है। तो जब हम इस प्रकार की बात कहते हैं कि चौकीदार चोर है, तो आप केवल नरेंद्र मोदी को नहीं कह रहे हैं, आप सारे चौकीदारों को और सारे उस श्रेणी के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, और इसकी प्रतिक्रिया निश्चित पिछली बार भी हुई थी और फिर होगी, और ये आपको परिणामों में देखने को मिलता है। कहा जा रहा है ये विपक्ष के द्वारा और कुछ एनालिस्ट के द्वारा कि किसान जो है, खास करके जो गन्ना के किसान है, वो नाराज हैं भाजपा सरकार पे। राष्ट्रीय लोकदल ने भी नारा दिया है कि गन्ना जिताएगा हमें, जिन्ना नहीं। इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? किसानों की नाराजगी जो है, जो अभी आप देखेंगे भी सुनेंगे भी, नाराजगी वो कहते हैं अपनों से होती है, तो और अपनों से ही मांग रखी जाती है, नई नई बातें, अपनी उम्मीद भी अपनों से ज्यादा की जाती है। तो जहां एक और ये बात सही है कि किसान यूनियन ने खूब प्रदर्शन करें और उन्हें पूरी अनुमति भी थी कि वो प्रदर्शन करें और अपने विषय को रखें, मगर दूसरी बात ये भी है कि सरकार ने कभी भी किसानों को रोकने की कोशिश नहीं करी। सरकार के संबंध, हम सबके संबंध अपने टिकट दाताओं से बड़े अच्छे और मधुर हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी यूनियन का ये अधिकार है और उनका लक्ष्य यही होना चाहिए कि वो अपने किसानों के लिए या कर्मचारियों के लिए या जो भी वो यूनियन है, वो उनके लिए अधिक से अधिक दिलवा उठाए, और सरकार को इसका बैलेंस बना के चलना पड़ता है। जहां तक रही किसानों की गुस्सा होने की बात, उनकी उम्मीदें ज्यादा हैं क्योंकि उनकी सरकार है, स्वाभाविक है, मगर जितनी पेराई हमने करी है गन्ने की, अभी तक किसी और सरकार ने नहीं करी। पिछली सरकार से हमने दुगनी पेराई कर दी है और दुगनी पेमेंट कर दी है। दुर्भाग्यपूर्ण गन्ना जो है ये प्रदेश सरकार का विषय है, तो ये तो पुरानी सरकारों का पाप जो है वो हम ढो रहे हैं। उन्होंने चीनी मिले भेज दी थी ऐसे लोगों को जिनका ना कोई रुचि उद्योग में थी, ना गन्ने में थी, ना चीनी में थी, उनका कोई ना रुचि थी ना अनुभव था। अगर होती पिछली सरकार तो पोंटी चड्डा जी बिजनौर चीनी मिल और चांदपुर चीनी मिल और मवाना चीनी मिल, जो कि बिल्कुल बीच में आ गई है शहर के, ऐसी मिलों में अभी तक कॉलोनी कट जाती जी। ये तो हमारी सरकार है जिसने 7 बंद पड़ी हुई चीनी मिल को पुनः चलवाया जी। बंद जो कर दी थी पिछली सरकार ने, और बहुत जल्दी बिक जाती रियल एस्टेट है। तो हमारी सरकार किसानों के प्रति बहुत सचेत है, बड़ी चिंतित है। गन्ना मिल चले ये बहुत जरूरी है, पेमेंट गन्ना मिल चलेगी तभी गन्ने की पराई होगी, मगर पेमेंट समय पर हो और सही से चले मिल, ये भी हमें देखना है। मिल चलाना सरकार का काम नहीं है, मिल तो उद्योगपति चलाएगा।
तो अगर हम ज्यादा ऐड दें उद्योगपति को तो वो मिलकर बंद करके भाग जाएगा, इससे किसान का नुकसान होता है। तो ये पुरानी सरकारों के पाप हैं जो आप भुगत रहे हैं, आप कह रहे हैं। अच्छा, इस बार इस चुनाव में ये नया फैक्टर है गठबंधन का, और आपके क्षेत्र में भी महागठबंधन का इफेक्ट जो है वो है, सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से बसपा प्रत्याशी सामने है मैदान में। क्या आपको लगता है कि गठबंधन हावी हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट्स में, भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स में इस इलेक्शन में? ये गठबंधन जो है ये नेताओं का है, और नेताओं को अपना अपने अस्तित्व के लिए वो लड़ रहे हैं, ये स्वार्थ की लड़ाई है, नेताओं के स्वार्थ की लड़ाई है। इस वजह से मैं तो इसे गठबंधन कहता नहीं, ये तो नेताओं का ठग बंधन है। भगवान की कृपा से जनता सब समझ रही है, जनता इस ठग बंधन से प्रभावित नहीं होगी। और उसका कारण यह है कि जो लाभार्थी हैं वो ज्यादातर वो ही हैं जिन्हें ये ठग बंधन अपने, जिनके वोटों पर ये ठग बंधन ने अपनी निगाह लगाई हुई, मगर ये इन्होंने उनकी वोट ली, अपनी सरकारें बनाई, मगर कभी मुड़ के ये नहीं देखा कि उस गरीब के घर में शौचालय है, उस गरीब के घर में बिजली लगी, उस गरीब का घर, उसका जीवन क्या गारे की दीवार और पन्नी की छत के नीचे या छप्पर की छत के नीचे बीत रहा है। अगर ऐसा है तो उसके घर में भी पक्का मकान, उसे भी पक्का मकान दिया जाए, बिजली की कनेक्शन दी जाए, गैस की कनेक्शन दी जाए। तो ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में गरीबों के घर में, हर एक व्यक्ति के पड़ोस में गरीबों का लाभ हुआ है।